और साथ में आप लोग को बताने वाला आप लोग का जो पिंक डायमंड स्टोर है, इसके अंदर भी कौन कौन से न्यू रिवॉर्ड्स आइटम आप लोग को देखने के लिए मिलने वाले हैं नेक्स्ट सर्वर के अंदर में। और आप लोगों से बेसिक लेकर इसका एबिलिटी क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, ये मैं आप लोगों को अच्छे से बताने वाली हूँ। और आप लोगों को भी 45 अपडेट के बाद में न्यू मोड आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जिसका मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में रिव्यू कराने वाली हूँ। सो आज की इस वीडियो में आप लोगों को मज़ा ही आ जाएगा। तो चलो इस वीडियो से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो इस यार तो सबसे पहले मैं आप लोग को दो न्यू मोड दिखाती हूँ। तो सबसे पहले आप लोग का सीएस जो रैंक है, इसके अंदर में आप लोग को जो न्यू मोड है वो आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, जिसको खेल के आप लोग को मज़ा ही आने वाला है। और आप लोग को फिर मैं आप लोग को दो मोड दिखाऊंगी। सबसे पहला वाला यहाँ पे सी एस रैंक के अंदर में आप लोग देख सकते हो, ये वाले आप लोग को मोड देखने के लिए मिलेगी, जिसको खेलोगे तो ये आप लोग को ये सब गन है, गन आप लोगों को ऐसा देखने के लिए मिलेगा। और ये सब गन है ये आप लोग ऐसे यहाँ पे देख रहे हो, ऐसे ही आप लोग डैमेज दे सकते हो। बट आप लोग को जो सामने वाला एनमी रहेगा ना, एनमी तो आप लोग को पूरा दिखाई देगा ऊपर से नीचे तक, बस आप लोग को आप खुद ही नहीं दिखोगे, आप लोग का बस जो गन है वो दिखेगा। और बाकी ये वाला जो गन है इसको देख कि आप लोग को एक गेम की याद तो आ ही रही होगी। सो कमेंट में बताना कौन सी गेम की जो याद है वो आ रही है। और भाई यहाँ पे जो गन है वो आप लोग कोई सा भी लो, आप लोग ऐसे यहाँ पे सो ये वाला मोड ही ऐसा है कि आप लोग ऐसे गन लगा के ऐसे खेल सकते हो और सो एनिमी लोग को है किल कर सकते हो। बाकी आप लोग को ये मोड खेल के मज़ा ही आ जाएगा। अपडेट के बाद में आप लोग को ये जो न्यू मोड है सी एस टैंक के अंदर में आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें आप लोग जो गन है पूरा एक गन आप लोग को बड़ा बड़ा दिखेगा और आप लोग ऐसे यहाँ पे सब एनमी या एनमी को आप लोग किल कर सकते हो। और ये मोड खेलने पर आप लोग को फ्री के रिवॉर्ड्स मिलेंगे, सो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वाली वीडियो में दिखाऊंगी। अभी फिलहाल आप लोग दूसरा नया मोड देखो, सो अपडेट के बाद में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, जो आप लोग को क्लासिक वी आर के अंदर में देखने के लिए मिलेगा। जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ही मोड को स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे आप लोग ऐसे ही आ रही से आप लोग ऊपर से उतरोगे। और ये मोड तो आप लोग ने खेला ही होगा, क्योंकि ये बहुत बार आ चुका है, दो तीन बार तो आ ही चुका होगा। और ये गाड़ी वाला जो मोड है ये आप लोग ने जरूर से खेला होगा, अगर खेला है तो आप लोग कमेंट में बताओ आप लोग ने खेला है या फिर नहीं। सो ये आप लोग को वीआर के अंदर में देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो, आप लोग अपने टीम के साथ में डुओ आप लोग खेल सकते हो इस वाली गाड़ी में। और इस वाले मोड पर आप लोग को ये वाली गाड़ी के साथ में नीचे में नहीं खेलना है, तो आप लोग को जो न्यू जो व्हीकल आने वाली है, न्यू सवारी आने वाली है, वो आप लोग यहाँ पे चॉइस कर सकते हो, आप लोग को ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। ये सो गाड़ी ये हवा में उड़ेगी और आप लोग हवा में सीख सकते हो। इस गाड़ी के ऊपर में आप लोग वेट के पूरा यहाँ पे सो गन से किल वगैरह एनमी को भी मार सकते हो। सो ये वाला सो व्हीकल है, सो न्यू गाड़ी है, वो आप लोग कैसे लेके आप लोग कमेंट बताओ। बाकी आप लोग हवा में उड़ के एकदम रॉकेट से फायर कर सकते हो एकदम एनसी पे, और बहुत ही मज़ा आएगा आप लोग को खेलने के लिए, और आप लोग को देख के भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। पूरा ही आप लोग हवा में उड़ के सो एनमी सो किल कर सकते हो, और आप लोगों को सो हैकर टाइप लगेगा और देख रहे होगे सब ऊपर ऊपर हवा में उड़ के पूरा ही मिसाइल फेंक रहे हैं इधर उधर। और ये मूड आप लोग को अपडेट के बाद में देखने के लिए मिल जाएगा, फिर आप लोग खेल सकते हो, ठीक है। और फिर बात करते हैं आप लोगों का जो काइसी क्रिएटर है, इसका जो एवरेडी है ये एक्टिव होने वाला है, और बाकी ये जो काम करेगा ये आप लोग इसका जो एबिलिटी है तो एक्टिव होगा, तो आप लोग इसके साथ में एक्टिव करेक्टर तो ले नहीं पाओगे। सो पैसे वो आप लोग कोई भी ले सकते हो। बाकी आप लोग को ये जो करेक्टर है ये आप लोगों जैसे ही आप लोग इसके एबिलिटी को यूज़ करोगे तो आपका टीममेट आपके टीममेट के पास में भी जो काइसी करेक्टर है वो होना चाहिए। फिर इस आगे आप लोग सो यहाँ पे अपना जो बॉन्ड है वो बना सकते हो, और जो एच पी है वो शेयर कर सकते हो, और तीन तीन करके आप लोग 80 एच पी एक बार में ही शेयर कर सकते हो। आप लोग को एक सेकंड में तीन जो एच पी है वो यहाँ पे शेयर होगा, और आपका जो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा वो 20 मीटर के अंदर में ही बनेगा। 20 मिनट से उधर इधर जाओगे तो आप लोग का जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा, और आपके पास 100 से कम एच पी सॉरी आपके पास 50 से कम एच पी रहेगी, और आप लोग को मतलब आपका फ्रेंड के पास भी 50 से कम एच पी रहेगी तो आप लोग उसको यहाँ पे बोन बना के दोगे तो उसका आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, उसको जो एस पी है वो पूरा ही मिल जाएगा। और बाकी ये वाली सो एबिलिटी ये अगर आप लोग के पास टीममेट है अच्छा, आपके जो फ्रेंड है वो अच्छा है, तो ऐसा कि आप लोग इसकी जो क्रिएटर की एबिलिटी है
इसके मजे उठा सकते हो। और वैसे भी सब लड़ाई होता है जब CS रैंक खेलो या फिर VR रैंक खेलो, तो आप लोग बहुत दूर ही दूर होते हो। और फिर इस वीडियो के अंदर में आपका जो बॉन्ड है वो तो टूट ही आएगा, तो वैसे ही एक्टिव क्रिएटर होगा तो आप लोग फिर एक्टिव क्रिएटर भी नहीं ले पाओगे। सो ये अगर पैसिव क्रिएटर होता तो वैसे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा, कोई मतलब बहुत ही ज़्यादा लोग यूज़ करते। बाकी आप लोग यूज़ करोगे या फिर नहीं कमेंट में बताना। आप लोग को अपडेट के बाद में जुलाई में 7th एनिवर्सरी स्पेशल इवेंट आएगा, उसके अंदर से आप लोगों को ये सब ऐसी क्रिएटर है आप लोगों को बिल्कुल ही फ्री में मिशन करके या फिर टोकन से आप लोगों को बिल्कुल ही फ्री में मिल जाएगा। और फिर इसी को आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर वाला देखने के लिए मिल सकता है। अगर रिमोट पार्टी इवेंट नहीं आया तो आप लोगों को जुलाई मंथ में लेक्चर वाला देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर आप लोगों को ये सो टोकरी वाला इमोट देख रहे हो, ये आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। सो पूरा ही जो टोकरी है वो गोल गोल घूमेगा, साथ में आप लोगों को इस लेक्चर वाला है, ये लेक्चर वाले के अंदर में आप लोगों को पूरा इमोट है वो यही इमोट पे आप लोगों को लिखने के लिए मिल जा रहा है। साथ में आप लोग को और भी सब इमोट्स वगैरह वो सब भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। और लेक्चर वाले के अंदर आप लोग का जो पायरेट फ्लैग इमोट है या फिर आप लोग का जो थ्रोन इमोट है, ये दोनों इमोट पॉसिबल है कि आप लोग को देखने के लिए मिल सकता है। बाकी ये जो लेक्चर वाले या फिर इमोट पार्टी इवेंट है, ये आप लोग को जुलाई मंथ में इंडिया सर्वर के अंदर में देखने के लिए मिल जाएगा। और आप लोग को जैसे ही समर के इवेंट स्टार्ट होगा तो समर इवेंट स्पेशली आप लोग को एक नया रिंग इवेंट देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर में आप लोग का जो समर इवेंट स्पेशली ये सो पंडल है ये आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। और समर इवेंट स्पेशली जो मेल का पंडल है वो तो रिंग इवेंट के अंदर में आएगा। आप लोग को जो इसका फीमेल वर्जन है, जो फीमेल का पंडल है, ये आप लोग को इंडिया सर्वर के अंदर में बिल्कुल ही फ्री में मिल सकता है। जो फीमेल का पंडल है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, बस आप लोग को फ्री में मिशन करके टोकन लेना पड़ेगा और टोकन से आप लोग जो फ्री का पंडल है उसको एक्सचेंज कर पाओगे। सो समर इवेंट स्पेशली आप लोग को ये जो फीमेल का पंडल है यही फ्री में मिल सकता है इंडिया सर्वर के अंदर में, नहीं तो कोई और समर इवेंट स्पेशली जो पंडल है वो आप लोग को फ्री में मिल जाएगा। जैसे समर इवेंट की जो डेट है वो कंफर्म हो जाएगी, कब से स्टार्ट होगा तो मैं आप लोग को बता दूंगी। और इंडिया सर्वर के लिए नेक्स्ट मोगा स्टोर कंफर्म हो चुका है। नेक्स्ट मोगा स्टोर के अंदर में आप लोग को ये सब ब्लेड वाशर रिमोट है यही आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। जो ब्लेड वाशर पर्पल एनिमेशन इमोट है ये आप लोगों को नेक्स्ट मोगा स्टोर के अंदर में इंडिया सर्वर के अंदर में देखने के लिए मिलेगी, जिसकी जो पॉसिबल रेटिंग है की आ रही है 14 या फिर आप लोग को 16 को सो नेक्स्ट वो कोई स्टोर है, उसके अंदर आप लोग का जो ब्लेड वाशर इमोट है ये आप लोग को पॉसिबल है कि देखने के लिए मिल सकता है। डेट इधर उधर हो सकता है, जैसे कंफर्म डेट आ जाएगी तो मैं आप लोग को बता दूंगी, बट आप लोग को मोको स्टोर के अंदर में इंडिया सर्वर के अंदर में सो ब्लेड वाशर इमोट है यही आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और ऐसे को लास्ट टाइम जो पिंक डायमंड स्टोर है ये आया था 5th एनिवर्सरी के टाइम में, और 5th एनिवर्सरी के टाइम में आया था, उसके बाद में 6th एनिवर्सरी के टाइम में भी नहीं आया, और अभी 7th एनिवर्सरी इवेंट आने वाला है। सो 7th एनिवर्सरी के इवेंट में जो फाइल आई है वो 45 अपडेट की, उसके अंदर में जो पिंक डायमंड स्टोर है इसका आइकन ऐड हुआ है, तो वो आप लोगों को कोई और सर्वर में भी देखने के लिए मिल सकता है, नहीं तो पॉसिबल है कि आप लोगों को इंडिया में इस बार जो पिंक डायमंड स्टोर है ये आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। 90% चांस है कि आप लोगों को इंडिया सर्वर में जो पिंक डायमंड स्टोर है ये आप लोगों को 7th एनिवर्सरी स्पेशली इंडिया सर्वे के अंदर में देखने के लिए मिलेगा। और बाकी जैसे 100% कंफर्म होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। अभी आप लोग देखो आप लोगों को जो रिवॉर्ड्स वगैरह देखने के लिए मिलेगा वो आप लोगों को पिंक डायमंड स्टोर के अंदर में कोई भी आप लोगों को जो फनी थीम के जो आइटम्स है वो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, नहीं तो आप लोगों को कोई भी स्टोर का जो बंडल है वो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा पिंक डायमंड स्टोर के अंदर में। फिर इसका ही देखिए स्किन प्रांग की स्किन इमोट्स, और आप लोगों का जो बैट की स्किन है, बैकपैक की स्किन है, कटाना की स्किन है, जो भी आइटम्स है वो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। और जैसे ही पिंक डायमंड स्टोर को लेके कोई भी कंफर्म न्यूज़ वगैरह आ जाएगी तो मैं आप लोगों को जो पिंक डायमंड स्टोर है इसका कंफर्म डेट बता दूंगी। अभी के लिए 90% चांस है कि नया सर्वर में आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, फुल नहीं और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मैं पहले बने आते चैनल लेकिन मैं ऑन कर लो, तो चलो वही सेटअप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।